मन माफिक गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं। मन माफिक आपके मन में क्या है? शिष्य अगर गुरु से ये पूछे कि हम वह दक्षिणा देना चाहते हैं जो आपके मन की दक्षिणा मन की हो, आप क्या चाहते हैं? आपके मन के हिसाब से ही हम, वैसे आजकल तो समस्याएं हैं, गुरु और शिष्य बदर कर लेखा, एक न सुने एक नहीं देखा, बड़ी विडंबना है। हरे शिष्य धन शोक न हरे सो गुरु घोर नरक मां परई। लेकिन ऐसे गुरु मिले हनुमान जी को, ज्ञानी गुरु सूर्य भगवान, और ऐसे सूर्य भगवान को परम भक्त और परम प्रिय श्री हनुमान जी महाराज, कि जिन्होंने इस बात को कहा है कि आपके मन में क्या है, जो मन में हो वो मांग लीजिए, मैं वही दक्षिणा देना चाहता हूं। सूर्य भगवान ने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, केवल एक चिंता है, उस चिंता से आप मुझे मुक्त कर दें। अब बोलो भैया, शिष्य गुरु से कहे कि गुरुदेव मेरे जीवन में एक चिंता है, उस चिंता से आप कृपा करके मुझे मुक्त कर दें, बात बनती भी है। लेकिन गुरु कहे शिष्य से कि एक चिंता है, तो मेरे बड़े प्रिय चेला हो, मुझे चिंता मुक्त कर दो। तो गंगा, एक बात बताओ, गंगोत्री से गंगा सागर में गई है कि गंगा सागर से गंगोत्री गई? ये उल्टी गंगा बहाई जाए, ये अच्छी बात है क्या? है सोचने की बात। सूर्य भगवान कह रहे हैं एक चिंता है, वो बहुत बड़ी चिंता है, और मुझे विश्वास है कि तुम्हारे जैसा शिष्य ही मुझे चिंता मुक्त कर सकता है। हनुमान जी ने कहा तो आप बताएं तो चिंता है क्या? चिंता है तो आप बताइए, मैं प्रयास करूंगा। सूर्य भगवान ने कहा कि एक मेरा पुत्र सुग्रीव होगा, और वो सुग्रीव बहुत ही भीरु होगा, भीरु समझ गए ना, भय रखने वाला, डरने वाला, तुम्हारी भाषा में डरपोक कहते हैं इसको, है नहीं? वो डरने वाला, भयभीत रहने वाला। अच्छा, भय के साथ साथ वो परम स्वार्थी भी होगा, इतना बड़ा भयभीत होगा, इतना भय उसके जीवन में होगा कि वो भागता ही रहेगा अपने प्राण बचाने के लिए। एक दिन वो समय आएगा कि उसके प्राण पर बहुत बड़ा संकट आएगा, लेकिन हे हनुमान, वो अपने प्राण को बचाने के लिए एक सुनिश्चित स्थान चुनेगा जिसको प्रवसन पर्वत कहते हैं। लेकिन उस पर्वत पर रह करके भी वो भयभीत रहेगा, उस पर्वत पर उसके प्राण की रक्षा होगी लेकिन फिर भी वो भयभीत रहेगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि अगर तुम संकल्प ले लो मेरे सामने कि मैं उसकी प्राण रक्षा करूंगा तो मैं चिंता मुक्त हो जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा कि बिल्कुल ले लूंगा संकल्प, और आपके चरणों में ही संकल्प लूंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे, देखता हूं कि कौन मारता है, समझ लूंगा उसे कौन मारता है। कहा एक मिनट और सुनो, केवल प्राण रक्षा करना ही जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि हमारे प्राण की रक्षा हो, हमारे प्राण की रक्षा हो। सूर्य भगवान ने कहा हे हनुमान, उसके प्राण की रक्षा तो करना ही, लेकिन केवल प्राण रक्षा करना ही जीव का धर्म नहीं है, जीव का एक लक्ष्य और होना चाहिए कि प्राण की भी रक्षा हो और परमात्मा भी जीवन में मिल जाए। बस परमात्मा मिल जाए, इसके बाद फिर क्या कहना है, प्राण रक्षा और परमात्मा। तो प्राण रक्षा करना और उसे परमात्मा से मिला देना। तो बोलो, हनुमान जी महाराज ने गुरु की आज्ञा का पालन किया और सुग्रीव जी का साथ दिया, सुग्रीव जी की रक्षा की। अगर हनुमान जी ना होते तो पता नहीं सुग्रीव की क्या दुर्गति होती। लेकिन दूसरा संकल्प यह दिलवाया गया कि परमात्मा से मिला देना, परमात्मा से। समझ में बात आ रही है? विषयी जीव केवल संसार को चाहता है। जैसे एक दूसरे से जब मिलते हैं संसारी लोग तो क्या पूछते हैं, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा परिवार कितना है, क्यों यही पूछते कि नहीं? मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यवहार कितना है,
मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यापार कितना है, मगर पूछता नहीं कोई कि प्रभु से प्यार कितना है। बस ये कोई पूछने वाला नहीं कि भगवान से कितना प्यार है, भगवान से प्रेम करते हो कि नहीं करते हो। यही विषयी जीव का लक्षण है कि घर द्वार परिवार की चर्चाएं तो खूब करेंगे लेकिन भगवान की चर्चा कम करेंगे। लेकिन यदि संसार का प्राणी संतों से जुड़ जाए तो ये कन्फर्म है कि संतों का सत्संग संसार में रहते हुए भी संसार बनाने वाले से मिला देगा, ये कन्फर्म है, ये सुनिश्चित है। इसलिए कहता हूं कि संत और सत्संग दो से प्रेम करो, संत से भी करो और सत्संग से, लेकिन उस संत से प्रेम करो जो संत सत्संग करता हो, उससे प्रेम मत करना जो चिलम पीता हो। अने गजेड़ी चिलम पीने वाले से करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? है भाई वही सीखोगे तुम, जो जैसा करता है बोलो भाई वैसे ही करोगे कि नहीं करोगे? तो कहने का तात्पर्य मेरा ये, संतों से प्रेम तो करना चाहिए लेकिन उस संत से प्रेम करना चाहिए जो संत सत्संग करता है। अच्छा ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ऐसा मत मानना कि स्वामी जी तो अपने मनमुखी विचारधारा से बोल रहे हैं इसलिए कह दिया उन्होंने। भगवान राम की वाणी है ये कि उन संतों से, पहले तो भगवान कहते हैं संतों से प्रेम करो, लेकिन भगवान कहते हैं उन संतों से प्रेम करो जो संत सत्संग करते हैं। तो बोलो भगवान की वाणी माननी पड़ेगी कि नहीं? सबरी जी से भगवान ने यही तो कहा था कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसर रति मम कथा प्रसंगा। तो स्पष्टीकरण हो गया कि नहीं हो गया? बोलो भाई कि संतों से प्रेम करना ये पहली भक्ति है और उन संतों से प्रेम करना जिन संतों की वाणी से हमें सत्संग सुनने को मिलता है ये दूसरी भक्ति है, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। तो आज सुग्रीव को ऐसा संत मिला जो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जो ज्ञान का सागर है, ऐसा गुरु ऐसा संत मिला। गुरु तो सूर्य भगवान है लेकिन ऐसा संत मिला जो ज्ञान का सागर है। अब बोलो ज्ञान के सागर हनुमान जी ने विषयी जीव सुग्रीव को परमात्मा से मिला दिया कि नहीं मिला दिया? परमात्मा मिल गया। लाख प्रयास करता सुग्रीव, भगवान जाते ही नहीं सुग्रीव के पास, लेकिन हनुमान जी महाराज ने राम मिलाए राजपद दीना। अच्छा एक बात और बताए, जैसे संसार वाले अगर संपत्ति से प्रेम करते हैं, सत्ता से प्रेम करते हैं, सुविधाओं से प्रेम करते हैं, भैया तो सुविधा और सत्ता से वंचित थोड़ी किया जा रहा है आपको। सीधी सी बात यह है कि आप संतों से प्रेम करें और संतों के सत्संग के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति होगी और जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी तो सत्ता और संपत्ति सब कुछ आपको मिल जाएगा, आप उससे वंचित नहीं रहेंगे। और यही सुग्रीव के साथ हुआ। हनुमान जी का संग पकड़ा, हनुमान जी ने राम जी से जोड़ा तो तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए और राजपद दीना। राम भी मिल गए और राज्य भी मिल गया। बोलो मिल गया कि नहीं? अन्यथा मत लेना। एक बात कह रहा हूं आपसे, भारतीय जनता पार्टी ने किसका सहारा लिया? साधु संतों का। बोलो लिया कि नहीं लिया? साधु संतों का सहारा लिया, राम मंदिर का सहारा लिया। इस समय पूर्ण प्रभाव में भारतीय जनता पार्टी है कि नहीं, ये मानते हो कि नहीं मानते हो? निश्चित रूप से मानते हो। संतों से जुड़े तो संतों ने राम जन्मभूमि से जोड़ दिया और राम जन्मभूमि से जुड़े तो सत्ता मिल गई। तो मिल गई कि नहीं मिल गई? राम भी मिले और सत्ता भी मिली, मिली कि नहीं? बोलो भाई। और एक साधु भी दे दिया कि इसको मुख्यमंत्री बना दो भाई, बना दो मुख्यमंत्री। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। राम भी मिल गए और राज्य भी मिल गया, ये सत्संग का प्रभाव है। इसलिए पहले राम को चाहो, बाद में राज्य को चाहो। लेकिन राज्य को पहले चाहोगे
तो याद रखना फिर राज्य के ही हो जाओगे, राम दूर हो जाएंगे। और यदि राम को पहले चाहोगे तो राज्य तो बिना ही प्रयास के मिल जाएगा, बहुत अधिक प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आज राम मिल गए। भगवान राम ने कहा तो ठीक है, बाली ने बहुत परेशान किया है, अब चिंता मत करो, कल जो मैंने विश्रामित किया था अपना प्रवचन, वो इस स्थल पर विश्रामित हुआ था प्रवचन कि तब सुग्रीव विकल होए भागा, मुष्ट प्रहार वज्र सम लागा। इस चौपाई पर मैंने विश्राम दिया था। फिर आप लोग बोले महाराज थोड़ा और थोड़ा, हमने कहा जब भगा ही गया तो अब क्या बता, जब भाग ही गया, मुष्ट प्रहार वज्र सम लागा तब सुग्रीव विकल होए भागा, हमने कहा जब भाग ही गया तो अब उसको रुकने दो, समझेंगे कल देखेंगे। भगवान ने कहा कि एक काम करो, हमारी बात मानो, भागो नहीं, तुम हमारे कहने से दोबारा ललकारो बाली को। सुग्रीव बोला एक बार ललकारे थे आपके कहने पर तो हड्डी पसली एक हो गई, अब दोबारा आप कह रहे हैं, अगर आप मेरी मदद करो तब तो ठीक है, और नहीं आप विवश अगर कर रहे हो तो फिर मेरी प्रार्थना है कि अंतिम दंडवत मेरी स्वीकार करो, अगर बच गए तो मिलेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। भगवान बोले देखो घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। सुग्रीव बोला एक बात बताओ प्रभु, जब उसने मुष्टिका का प्रहार किया तो आपको दर्द नहीं लगा कि मेरा मित्र जो है पिट रहा है? भगवान बोले सही बतावे, तुम दोनों एक ही रूप के हो, एक रूप तुम भ्राता,